हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय क्लास प्रारंभ साइंस क्लासेस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे इस डेंगू के सीजन में, है ना, क्योंकि सभी के यहाँ डेंगू फैला हुआ है। इस वक्त काफी मच्छर हो रखे हैं घरों में, और मच्छर को भगाने के लिए हम लोग कभी मॉर्टिन जलाते हैं, कभी रैट का वो बैडमिंटन जो होता है मॉस्किटो किलर वाला उसको यूज करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब किसी न किसी तरह से हम लोग मॉस्किटो को भगाने का ही काम करते हैं, है ना। या अगरबत्ती आजकल आ गई हैं, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। एक छोटी सी आप लोगों से एक कहानी सुनाऊंगी, कल मैंने देखा था, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। एक फिश वुमेन होती है, ठीक है, तो उसको हर समय अपने सपने में सिर्फ ऑटो दिखाई देती है। वो सोचती है मैं कितना पैसा कलेक्ट कर लूँ, क्या कर लूँ जिससे मेरे पास क्या हो जाए, ऑटो आ जाए, ठीक है। तो वो ऑटो खरीदना चाहती है। वो ऑटो खरीदने के लिए क्या करती है, जो फिशेस लेके आती है ना, वो क्या करती है, अपने घर से जाती है थोड़ी दूर तक, वो बस से जाती है, उसके बाद वहां पे एक ऑटो वाला मिलता है, वो उसको सी बीच तक लेके जाता है। फिर सी बीच से वो सारे फिशेस वो कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके फिर उसके बाद क्या करती है, फिर वो अपनी जगह जाती है उसे बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन उसको हर समय सपने में सिर्फ क्या दिखाई देती है, ऑटो ही ऑटो दिखाई देती है कि मैं एक ऑटो खरीदूंगा, मैं वो खुद चला के जाऊं और मैं अपनी फिशेस कलेक्ट करूं। तो वो सोचती है मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं। वो रोज अपनी जो कमाई होती है उससे कुछ परसेंट जमा करती रहती है, ठीक है। उससे जो कि क्या मतलब है, जो अपनी फिशेस बेचती है वो रोज उससे क्या करती है, कुछ परसेंट अपने फिश का बेचने के बाद वो क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है, बॉक्स बनाया जिसमें वो कलेक्ट करती है। तो वो रोज एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, लगभग ये 15-20 दिन महीना भर ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन वो जब फिश काट के बेच रही होती है तो एक फिश में से एक शाइनी से स्टोन निकलता है, एक हीरा निकल आता है एक फिश के अंदर से, ठीक है। तो जब वो हीरा निकलता है तो वो देख के बिल्कुल इतनी खुश हो जाती है कि वो नाचने लगती है, झूमने लगती है कि अब मैं ऑटो खरीद लूंगी, मैं अपने मतलब उसे हर समय सपने में जो ऑटो दिखाई देती थी, अब वो उसी ऑटो को क्या करती है, उसे इमेजिन कर लेती कि मैंने खरीद लिया, मैं चला रही हूँ, मैं गई, मैं फिश लेके आई। तो वो नेक्स्ट डे जाके वो जब वो ले आती है ना, जो उसको हीरा मिल जाता है, डायमंड मिल जाता है फिश के अंदर से, तो उस डायमंड को लेके वो क्या करती, जाती है उससे पैसे लेती है, और पैसे लेने के बाद क्या करती है, उससे ऑटो खरीदती है। जब ऑटो खरीद लेती है तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, फिर वो सोते जागते सब काम सब ऑटो में ही करती है, ठीक है। एटलीस्ट वो उसमें सोती भी है, मतलब मेरा ये कहने का है कि उसकी एक डिजायर देखे कि उसकी क्या है, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मैं क्या करूं। उसे हर समय सपने में, मतलब अगर आप कुछ बनना चाहते हो कि आप सोच लो कि मुझे ये बनना है, तो हर समय आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो उस ऑटो को खरीद के वो अपने घर से जहाँ पे वो बेचती है वहां से ऑटो लेके वो पूरा सी बीच तक जाती है, वहां से फिशेस कलेक्ट करती है, फिर वो रख के लेके आती है, और रख के लाने के बाद फिर उसे यहाँ पे बेचती है। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो चला रही होती है तो एक फिश उसके ऑटो में गिर जाती है उसकी बास्केट से। तो जब वो एक फिश उसकी बास्केट से गिर जाती है, तो वो जो फिश गिर जाती है उसके बाद से उसने डिसाइड कर लिया मेरी गाड़ी गंदी हो जाती है ऑटो, जिसकी वजह से अब मैं ये काम भी नहीं करूंगी। और फिर वो काम वहीं छोड़ के उसके बाद वो जाती है अपने ऑटो से पूरा दूसरे शहर चली जाती है, कोलकाता शहर चली जाती है, मुझे क्योंकि उसमें मैंने ब्रिजेस देखे थे, वो कोलकाता ब्रिज था, हावड़ा ब्रिज था। फिर वो चली जाती है, फिर वहां पे वो अपना रहती है, सब करती है, वो समुद्र के किनारे ही रहने लगती है, और वहीं पे वो क्या करती है, अपना लाइफ अपनी पूरी वहीं बिताती है, ऑटो के अंदर सोती है, वहीं रहती है, सब कुछ करती है, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आपके डिजायर होनी चाहिए कि मुझे बस यही करना है। जो आईएएस पीसीएस होते हैं उनको हर समय सिर्फ दिमाग में क्या होता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कि मैं बस बन जाऊं, है ना। तो ये आपके डिजायर होनी चाहिए कि आपकी चाहत कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये करना है तो करना है, ठीक। जब मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा था कि अपनी क्लास में आप लोगों को बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपको बताया। आज मैंने न्यूमेरिकल सेशन रखा है आपका क्वांटम का, पाउली का और हुंड्स का। तो हम पहले क्वांटम के कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला है हमारा, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। अब हमारे जितने टोटल नंबर्स दिए हैं उनमें जो क्वांटम नंबर है उसका क्या है, n इज इक्वल टू 4 दिया है। तो इसके लिए जो हमारा l है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया,
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया है ना, और उसका जो एल है हमारा एजीमुथल है वो कितना हो गया इसका 0, 1, 2, 3। इसके पहले के जितने नंबर है वो सारे हमारे किसमें आएंगे, एजीमुथल में आएंगे। अब जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव बन सकते हैं वो किसमें आएंगे, हमारे एमएल में आ जाएंगे। ठीक है, एमएल मतलब क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो गया, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और इसका जो स्पिन होता है, स्पिन में क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ले लेके हम चलेंगे, इन सबके ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज हमने यहाँ पे आपको बता दी है कि अगर L इज इक्वल टू 0 होता है तो ML 0 होता है, L इज इक्वल टू 1 होता है तो ML कितना होता है, -1, 0 और +1 होता है, L इज इक्वल टू 2 होता है तो ML इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2 होता है, L इज इक्वल टू 3 तो ML इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, इनकी ये वैल्यूज है हमारी। ठीक, और ये हमारे क्या है, जो हमने हमारा क्वेश्चन था उसे n इज इक्वल टू 4 का पूछा था, तो उसका ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, n इज इक्वल टू 4 है तो l इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। इसका ml कितना हो जाएगा, इसका ml आपका -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 हो जाएगा। इसके बाद जो इनकी वैल्यूज है ये क्या होंगी, ये स्पिन में दोनों में होती है। ठीक है, तो +-1/2, +-1/2, +-1/2, ये सो ऑन, जब तक ये नंबर्स हैं तब तक ये पूरा प्लस माइनस शो होता रहेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एटम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, देन टेक आउट रिमेनिंग ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स। तो ये सबके जो क्वांटम नंबर्स निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 4 दिया है, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 4 था, तो l कितना हो गया, 2 हो गया इसका 0 को मिला के, m +2, +1, 0, -1, -2, और s कितना हो गया, +1/2, +-1/2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस थे गए हमारे। कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, ये हमारे दो क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले से नोटेड कर लिए थे, अब मैं लिख के आपको बताती जाऊंगी, आप लोग उसको समझते जाइएगा। क्वांटम नंबर में एक चीज आपको दी होगी, बाकी चीजें आपको क्या करनी होंगी, टेक आउट करनी होंगी। ठीक है, और कुछ नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ, मैंने नोट करके रख रखे हैं, मैं आप लोगों को कराती जा रही हूँ। ठीक है, अब दिया है हमें क्वेश्चन, इसमें दिया है इफ एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2 दिया है, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एस, एस मतलब किसकी हो गई, स्पिन क्वांटम नंबर हमें चाहिए। तो L इज इक्वल टू 2 है हमारा, M कितना हो जाएगा इसका, इसका आपका जो M होगा वो होगा +1, +2, +1, 0, -1, -2। ठीक, अब इसका S कितना हो जाएगा, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2 और +-1/2। ठीक है, इन सब के क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर्स हो जाएंगे स्पिन के। हमेशा एक ऐसे लिखते हैं हम और दूसरे को ऐसे लिखते हैं, जो हमारा ऐसे वाला होता है इसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जो अपोजिट स्पिन होता है उसको नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन की सॉल्विंग थी। अब अगर ऐसे ही दे दे, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं जो न्यूमेरिकल उसको फॉर्मूले से भी निकल सकता है। अगर दिया है इफ एल इज इक्वल टू 2, सॉरी 4 दिया है, एल इज इक्वल टू 4 दिया है, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू हमें चाहिए, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एल एम, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, अब इसमें हम वैल्यू किसकी पूछ रहा है, इसमें एम की पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमें पता करनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर एल एम्स वैल्यू इज, एम के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2L+1। अगर हमें L की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या रखेंगे इसमें, 2×4+1 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8+1=9 हो जाएगा। ठीक है, L का डबल और +1 हो जाएगा, इससे हमें M
की वैल्यू मिल जाएगी। इसका ये एक फॉर्मूला होता है, एल की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो एम की वैल्यू निकाली है, तो एम इज इक्वल टू 2L+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसका एक हमारा एम की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब इसी तरह अगर हमें दिया है, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको हम इसके साथ ही, उसमें भी हमारा फॉर्मूला यूज होगा। ये तो हमारे बेसिक्स थे, तो जो मैंने बताए वो बेसिक के थे, अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो भी इसी का बेसिक ही है, मतलब फॉर्मूला यूज होगा। अब दिया है कि फॉर एन इज इक्वल टू 3, ठीक है, अगर एन इज इक्वल टू 3 दिया है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एम, एल एम एंड एस, एल एम एंड एस। अब एल एम एस की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो अगर हमें एन इज इक्वल टू 3 दिया है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 0, 1, 2 होगी कि नहीं होगी भाई, एल की वैल्यू हमने क्या बताई आपको, 3 की पहले की जितनी वैल्यूज है वो सारी आ जाएंगी, तो मतलब इसमें 0, 1, 2 आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब फॉर एन, एन के लिए हम क्या करेंगे, एम्स वैल्यू, एम की वैल्यू निकालने के लिए फॉर एन, एम्स वैल्यू, एन के लिए एम की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, एन स्क्वायर निकलेगी। ठीक है, तो एन हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 जो गिवन है 3 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। कैसे 9 हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हो तब भी 9 ही आएगा, गिन लो, +3, +2, +1, 0, +1, +2, -1, -2, -3। ठीक है ना, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी। अब इसके लिए इसी तरह हमारी जो n की वैल्यू निकालेंगे, फॉर n s वैल्यू, अब s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s वैल्यू फॉर n, n के लिए हमारे s की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है हमारा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर होता है, तो 2 × n कितनी है हमारी, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे कि अगर हमें ये दिया है n इज इक्वल टू 3 दिया और सबकी वैल्यू पूछा है, तो n इज इक्वल टू 3 दिया तो l भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही हमें। अब n के लिए m की वैल्यू कैसे निकलेगी, n स्क्वायर करेंगे तो ये हमें m की वैल्यू दे देगा, और इसके बाद जब हमें s की वैल्यू चाहिए तो s की वैल्यू के लिए n के लिए s की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए फॉर्मूला रखते हैं हम 2n स्क्वायर, क्या रखते हैं, 2n स्क्वायर रखते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर, तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वांटम के, अब हम इसके बाद वाली क्लास में पाउली और किसके करेंगे, हुंड्स के 2 के कर लेंगे, और ये हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सारे पूरे हो जाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट साइंस बैग जरूर देखिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, टेक केयर।